तो गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ गर्ल्स ओनली सर्वर में, और आज कुछ ऐसा होता है कि आज मैं बनता हूँ पुलिस ऑफिसर। और आज हमारे पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जो बताती है उसके होटल में चोरी हो गई है, और वो हमें कहती है कि उसे चाहिए इंश्योरेंस के पैसे, और हम उसकी मदद करने के लिए होटल जाते हैं। लेकिन होटल में जाने के बाद हमें कुछ ऐसा पता लगता है जो हमारे होश उड़ा दिया। वो क्या होता है वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो गाइज मैं फिर से फाइनली गर्ल्स ओनली सर्वर में आ गया हूँ, और आज मुझे नई जॉब मिली है पुलिस ऑफिसर की, जो मेरे दोस्त ने मुझे दी है। ये बैठा है पगला टैग, ये मेरा सीनियर है फिलहाल तो, बट कोई बात नहीं, सीनियर है, बहुत खड़ोस भी है। अच्छा वो अभी हमें सुन नहीं सकता क्योंकि इसका ध्यान कहीं और है। नहीं, देख तो इधर ही रहा है पर थोड़ा इसका कान में प्रॉब्लम है। अच्छा सुन सकता है सॉरी, मतलब ये मेरा सीनियर है, बहुत अच्छा ऑफिसर है, एकदम ईमानदार। ये मेरा आज पहला दिन है काम पे, तो आज देखते हैं हमें क्या केस मिलेगा। हाँ तो हो गया सर, हमें केस कब आएगा? मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आते रहते हैं, बट अभी काम नहीं आ रहे, बट जिस दिन काम नहीं आए भाई मैं उसको फ्री की सैलरी देनी पड़ेगी। ये ले तू मार खा तब तक। आप मेरे सीनियर हो तो इसका मतलब ये आप मुझे मारोगे? तो जो काम ठीक से नहीं करेगा तो मार खाएगा मुझसे, और क्या काम भी तो होना चाहिए। खाली पड़ा है पुलिस स्टेशन, एक केस नहीं है यहाँ पे। आएगा जरूर। मैं थोड़ी देर उबासी कर लूँ जब तक थोड़ी। नहीं बे पुलिस ऑफिसर। अच्छा आप ऊपर जाके फाइल्स चेक कर लो, मैं वेट करता कोई आए तो। नहीं, मैं भी आता हूँ। मेरा केबिन नहीं है यहाँ पे, मत अंदर, नॉट अलाउड। कहाँ हो आप? अरे आप हो कहाँ? अरे आपने गेट बंद किया। चलो नीचे चलते हैं, कोई आ रहा होगा। आओ ना, हम बैठते हैं अपनी चेयर पे, मजा आराम करते हैं। क्या ऊपर नीचे कर रहे हो आप? वैसे बूढ़े हो गए हो, थोड़े घुटनों में दर्द हो जाएगा। अच्छा सॉरी। भाई यार बहुत दिनों से कोई केस विस नहीं आ रहा यार, क्या करें यार। लगता है गलती कर दी तुम्हारे अंडर नौकरी करके, केस तो आते नहीं यहाँ पे। सॉरी, मैं भूल गया था आप सीनियर हो, भूल गया था। अरे ये कोई डेविएटेड्स। अरे कोई आया कस्टमर। ओ सॉरी, हाँ केस। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, आप बोलो। बोलिए मैडम, मैं यहाँ पे यहाँ का इंचार्ज हूँ। सर मुझे कंप्लेन लिखानी है। क्या हुआ, कैसी कंप्लेन? मुझे लग रहा है आप बहुत ज़रा दुखी हो, क्या हुआ? सर मेरा जो है होटल से सामान चोरी हो गया है। मेरा काफ़ी कीमती आर्मर था और बहुत सारा पैसा था सर, वो दोनों चीज़ें चोरी हो गई है। ओ आप तो वही हो ना जो ये 7-स्टार होटल है, जो उसके उस वही मालिक हो ना? जी जी जी, मैं जाके चोर को पकड़ता हूँ सर, उसी के मालिक हूँ मैं। तो इधर बैठ पहले। अच्छा, बैठ जाऊँ? ठीक है। हाँ तो क्या क्या चोरी हुआ मुझे बताइए, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ फटाफट से। सर मेरा जो है बहुत सारा पैसा था, पैसा इतना था कि मैं मुझे याद भी नहीं है, बट बहुत सारा था। और उसके अलावा आर्मर था सर, काफी कीमती। कितने आर्मर थे? दो आर्मर थे और टूल्स भी थे काफी सारे। तो डीवी एडिट्स, हमने आपका पूरी बात सुन ली है, आपका सारा हमने केस वेस लिख लिया है, मेरे ये जूनियर ने सब कुछ लिख लिया है। तो आप हमें एरिया दिखाओ कि कहां से वो चोरी हुआ। हाँ हाँ चलो चलते हैं, चलो आओ। हाँ वो हमें बताओ कि वो कहां से चोरी हुआ। सर वो सारा सामान मैंने होटल में ही रखा था। हाँ चलो चलो बताओ। चलो सर चलो। हाँ गुड, चलते हैं आज के यार फटाफट, हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या मैडम का चोरी हुआ है। मैडम चलिए हमें रास्ता दिखाइए। चलिए आइए। बताइए सर, आपके होटल, आपके पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने मेरा होटल है और फिर भी चोरी हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, चोर कौन है भाई? मतलब हम इतने ज्यादा यहाँ पे निगरानी रखते हैं, हर जगह घूमते फिरते हैं पुलिस, और आप तो बैठे रहते हो, निगरानी तो नहीं रखते? मैडम के सामने सच्चाई बोलती है। अच्छा बोलनी नहीं थी, मैं तो नया आया हूँ, इन्होंने मुझे अभी हायर किया है तो मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं। तो यार इतने पेट्रोलिंग करने के बाद भी भाई मतलब चोरी हो गई। सर आ जाइए। हाँ चलिए ना आप, चलिए हम पीछे ही। आप बड़ा है, आपका कुछ स्टाफ वाफ भी नहीं रखा क्या आपने कोई? हाँ सर अभी क्या कुछ टाइम से धंधा मंदा चल रहा है। हाँ सामान कहाँ था, कहाँ से चोरी हुआ आपका सामान? सर यही मैं कुछ पैसे यहीं काउंटर पे रखती थी, और उसके अलावा ये मेरा रिसेप्शन है, यहाँ पे भी मैं ही बैठती हूँ क्योंकि अभी कोई है नहीं काम करने के लिए। अच्छा, और उसके अलावा बाकी सब अलमीरा में रखती थी अंदर। मैं जरा आसपास कुछ ट्रेसेस देखता हूँ, चोर के ट्रेसेस मिले तो। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, आप डीवी एडिक्ट, आप आराम से बैठ जाइए। आप बैठिए, आप निश्चिंत रहिए, हम सब कर लेंगे। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे देखता हूँ सर।
तुम ऊपर वाले फ्लोर पे देख रहे हो तो एक सेकेंड यार, एक बात बता यार, चोरी तो हुई कहाँ से होगी? मुझे तो कुछ टूटा कुछ लग भी नहीं रहा कि इसने कुछ ढूंढने की कोशिश करी है। फुई देख कहीं से कुछ, कोई कांच टूटा हुआ देख, कोई तो कहीं से कुछ टूटा हुआ देख ना। चोर आया किधर से? फुई देख रहे हो, देख खिड़की में नहीं टूटी हुई कोई। अब तो सही है, लगता है कोई शातिर चोर होगा यार। मुझे लग रहा है ऊपर से नहीं यार, नीचे से ही तो आएगा भाई चोर। क्या पता ऊपर से कुछ, लेकिन कहीं शीशा भी तो नहीं टूटा हुआ ना, कुछ ढूंढने का वो। तो यार मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा यार कि किसी ने कुछ चोरी वोरी करी है यार। काउंटर का लॉक भी नहीं टूटा हुआ, तो पैसे कैसे मिले? वही समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को, क्या सीन है ये? सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। तू कह तो सही रहा है यार मेरे को, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें और देखना चाहिए इधर उधर। चलो चलो देखते हैं, कुछ मिल जाए तो, तब तो बराबर लग रहा है। वही वही गड़बड़ी कुछ भी नहीं है भाई, क्या हो सकता है? आपको नहाना है सर अभी यार, बस ऐसे ही थोड़ा देखने लगा कि कुछ है तो नहीं यार। वो देख क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे सर ये क्या, ये क्या है? रुक जा मत जा, रुक जा, ये मुझे लग रहा है कुछ उसका सीक्रेट चीज है ये। तो ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से कुछ पर्सनल चीज है अंदर, मुझे नहीं पता, बट हमें जाना तो चाहिए। बट हमारे पास स्विमिंग पूल में ऐसा सीक्रेट डोर कौन बनाता है? वही तो, मुझे भी कुछ गड़बड़ी लग रही है कि अचानक से इतने बड़े होटल से ये सामान चोरी हो गया और कुछ भी नहीं टूटा हुआ भाई। मैं तो कह रहा हूँ सर अंदर चलते हैं, वो वैसे भी वहाँ बैठी है, उसे पता नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जा सकते, समझ बात को, हमें एक प्लान के साथ जाना पड़ेगा, समझ रहा है? ठीक है, तो उसे कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं, हम जरा थोड़ा आगे की कार्रवाई करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं उसे। चलो चलो चलो, उसे कहते हैं होटल खाली कर दे, हमें कार्रवाई करनी है। नहीं होटल खाली नहीं करवा सकते यार, खाली नहीं करवा सकते समझ। अरे तो सर अंदर कैसे जाओगे? मेरे पास एक प्लान, तू देख अभी क्या होता है। अरे यार आगे आगे, क्या हुआ सर, क्या हुआ, कुछ मिला? हमें तो अभी कुछ खास मिला नहीं है, कुछ चोर जो है ना बहुत ज्यादा शातिर है। अच्छा, वो देखना पड़ेगा अभी, समझ रहे हो? एचके कोई सुराग नहीं छोड़ा। तो सर मैंने ना अपने होटल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो प्लीज मुझे इंश्योरेंस दिला दीजिए। अच्छा ओके, तो एक काम करना, आप कल आ जाना इंश्योरेंस के लिए, ठीक है ना? अच्छा, तो इंश्योरेंस वाले से बात करके पुलिस स्टेशन ही बुला लेंगे हम इंश्योरेंस वाले। हाँ जी हाँ जी, तो कितने बजे आऊँ सर मैं? इसी टाइम सुबह होते ही आ जाइए, सुबह होते ही आ जाइए आप। ठीक है ओके सर, थैंक यू, हम चलते हैं। यार एचके फ्रोस मेरे को सीरियसली वो लग रहा है कि वहां पे कुछ तगड़ी चीज है, हमें जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं सर रात को। रात को, ये यही मेरा प्लान था, अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं उसके सामने, क्योंकि समझ रहा है ना तू, उसको उसको फिर शक ना हो जाए। चल ठीक है, रात का वेट, रात को होने का वेट करते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आधी रात को उठाओगे तो भूल ही जाऊंगा ना भाई। देख पुलिस वाला का काम बहुत तगड़ा होता है भाई, समझा कर। अब एक काम कर, अब चुपचाप चलियो यहाँ से, शांति होके, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन से रूम में सो रही है। सो तो ऊपर ही होगी ना, नीचे थोड़ी होगी, अपन चलते हैं पुल पे। जो भी है पता नहीं, अचानक से आगे तो भाई सीन हो जाएगा, समझ भाई। मैं भाई सीनियर हूं, तू सीनियर है, मैं बहुत सारे केस कर चुका हूं। वही तो गलती हो गई, कहां थी वो जगह? यही थी, यही थी, बताओ जिन्होंने ढूंढी उन्हें याद नहीं। ओह चल 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 चल, ओह यस, ओह भाई कितनी तगड़ी जगह है सर, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे अंदर भाई। इसने बोला था दो आर्मर चोरी हुए हैं। ओके एक मिनट सर, सर इसमें पैसे ही पैसे हैं। मुझे एक आइडिया आ रहा है, सुन एक काम करते हैं सर, ये हमारा पागल बना देती है। हाँ ये इंश्योरेंस से पैसा लेना चाहती है इंश्योरेंस वालों से। अब मुझे सारा खेल समझ आ चुका है। आप लेफ्ट का सारा उठाओ, मैं राइट का उठाता हूँ। एक काम करते हैं सुबह इंश्योरेंस वाले को बुला ही लेते हैं, क्या बोलता है तू? ठीक है, इंश्योरेंस वाले के साथ मजे लूट लेंगे भाई। काम कर, चल जल्दी कर, चल 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 चल, वो आ जाएगी जल्दी, चलो सर। हाँ मैं चल रहा हूँ। आप इतने भारी हो, जल्दी चलो भाई। ये हमसे इतना तगड़ा झूठ बोल रही थी सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए। इसने हमें अंडर एस्टिमेट किया, आपको किया, उसे पता नहीं था ना नया एक वो आया, इसलिए शायद अंडर एस्टिमेट किया होगा भाई। मुझे लगा लिटरली मेरे होते
ऐसी चोरी कैसे हो गई कि मतलब कुछ ना कुछ टूटा ना कुछ हुआ, और बोल रही है कि कस्टमर भी इतने नहीं आते थे, तो कौन होगा चोरी करने वाला भाई? अब मुझे शक हो चुका है, ये सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही है ऐसा। आपके होते हुए उसे लगा होगा कि आप तो नहीं पता कर पाओगे। हाँ, उसको क्या पता हमारी आंखें हमारी निगाहें कैसी इतनी तेज हैं। अरे सर, कब आएगा आपका इंश्योरेंस वाला? सब यार मैंने बुलाया था यार, पता नहीं कब आएगा यार वो, मुझे नहीं पता। आप ही काश की तरह उससे हैं, पहले आ टाइम से जाती कुछ नहीं मीटिंग से करते। पहले। अरे आया कोई? नमस्कार आया, सर, नमस्कार। अरे आ गया, आ गया, आ गया, आ आ गया। गया, आ गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ सर जी, आपने हमको कल कॉल करा था। हाँ मैंने आपको कॉल करा था इंश्योरेंस। हाँ, बहुत मैं लक्ष्मी लक्ष्मी चिट फंड अरे ठीक है ठीक है, इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ, मतलब आया हूँ। आप हमारी बात लक्ष्मी चिट, सुनेंगे? आप हमारी बात सुनेंगे? अभी बहुत जी सीरियस सर, जी मैटर सर, है, जी सर, सीरियस सॉरी मैटर सॉरी 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 अरे सॉरी भाई, टू इंटरप्ट। हमें प्रमोशन करके क्या बोले करेगा तू पागल हाँ आदमी? हमें तो बहुत ज्यादा पर्दाफाश करना है एक औरत का, एक लड़की का, जो यस यस कि बहुत ज्यादा ठग रही है लोगों को। और हमें उसने कल कल बुलाया कि हमारा मेरा सारा सामान चोरी हो चुका है होटल से, लिटरली सारा सामान चोरी हो चुका है। हमें एक जगह देखी, हमें शक हुआ, हम रात को गए वहां पे जगह देखने के लिए, वहां पे सारा सामान पड़ा था उसका, जो जो उसने बोला कि चोरी हुआ है, और बोल रही थी कि इंश्योरेंस वालों से पैसा दिलवा दो। सर वो आपको ठगना चाहती थी सर, देख रहे हो आप? सर ये तो हमारे कंपनी के लिए बहुत बैड न्यूज हो सकता था, अच्छा हुआ सर आपने बचा लिया। हम इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे, कैसी बात कर रहे हो आप? सर आपको बस हमारे अरे साथ खेल खेलना है, जो वो बोल रही है उसे सच लो। बताना है, ठीक है? ओ थोड़े माय पैसे गॉड, तुम रखो, थोड़े पैसे तुम रखो, ठीक है? हाँ इस चीज के मैं जी तुम्हें सर, पेमेंट दे रहा हूँ, पर हाँ एक काम करेंगे, उसके सारे हार्ट्स ले लेंगे और आपस में बांट लेंगे, क्या यस कहते सर हो? यस। ओह मैडम आ गई, हेलो सर, मैडम आ गई, मैडम आ गई, मैडम आ गई। हेलो जी, मैडम जी, हेलो सर, तो कैसे हैं? हमने जो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। कुछ हाँ बात हुई तो आपने, इंश्योरेंस वाले सर से? हाँ बात हो गई, पूरी बात हो गई है। ये आपके जो पीछे बैठे हैं वो इंश्योरेंस वाले हैं, और हेलो हमने सर, पूरा पूरा केस हेलो बता मैम, दिया है कैसे कि क्या हो? क्या केस है, आप इनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। ओके मैं अच्छी हूँ ओके सर, आप कैसे हैं? सर, मैं हूँ, मैं आया हूँ लक्ष्मी चिट फंड इंश्योरेंस कंपनी से, और आपका इंश्योरेंस के बारे में हमको पता चला कि आपका सामान वगैरह चोरी हुआ है। स्पेशल थैंक्स टू हमारे पुलिस पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने ये सब बताया है। बट अभी अभी ऐसा है कि मेरे पास ना एक बुक है जिसमें मेरे को पूरा लिखना पड़ता है कि क्या क्या चोरी हुआ है, तो आप प्लीज एक बार ही डिटेल से बता दीजिए क्या क्या चोरी हुआ है। बिल्कुल सर, एक मिनट रुकना अभी। ओके मैम। ओके सर, तो मेरे पास जो है दो जो है आर्मर थे, काफ़ी ओके सारे मैम, टूल्स थे डायमंड के, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सुपर पावर वाले, और उसके अलावा ओके। बहुत सारा पैसा था जो कि मेरा चोरी हुआ है। अभी मैंने लिख लिया है मैम, बट मेरे को एक बार ही दिखा दो जगह कहाँ से चोरी हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स, आप प्लीज मेरे को बता सकते हो कहाँ से चोरी हुआ था? हमको ये सारी चीजें ऊपर कंपनी कंपनी में देनी पड़ती है, ओके ओके और ओके, चलिए आप आइए इनका हमारे साथ इनका आइए। इनका इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए ये थोड़ा सा जरूरी है, हाँ इसलिए जी आ जाइए, आ ठीक है ठीक है ठीक है, आप आइए हमारे साथ आइए, हम आपको लेकर चलते हैं, अब तो मुझे रास्ता पता चल चुका है। ओके सर, चलिए चलिए, जल्दी चलिए, आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए, हमें हाँ ना जी और भी केसेस पे काम हाँ, करना काफी है हमें। केसेस आए हुए हैं। जी सर, कहाँ हैं आप? अंदर आइए, अंदर अंदर आइए, आइए, अंदर अंदर आइए। आइए, हम अंदर एक आइए। चीज पूछनी है मेरे को, ये जो आपका स्विमिंग पूल है हाँ जी जी सर, ये कितने का बना है? सर काफी पैसा लगा है इसको बनाने में। नहीं आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, केस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है स्विमिंग पूल के आसपास, पता नहीं क्यों। हाँ बहुत अजीब लग रहा है स्विमिंग पूल, पता नहीं नॉर्मल नहीं लग रहा, नहीं कुछ तो सर क्या नॉर्मल अजीब, नहीं है ये। तो अच्छे अलग से अंदर चल के डिजाइन, देखें? हाँ इंटीरियर डिजाइन बना के दिया है तो अंदर चल के देखें क्या एक बार, अंदर जा के अंदर देखें। पूल के अंदर? हाँ पूल के हाँ अंदर, हाँ पूल के अंदर, पूल के अंदर तो सर तैरने के लिए जाते हैं, अभी आपने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, इससे कैसे कोई तैरेंगे? बात नहीं, हम कोई गीली कर लेंगे नहीं, कोई यूनिफॉर्म आपके लिए, हम इतना कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है ये सब करना। ठीक है सर, चलिए। चलो चलो, अरे सर वहां कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ जाओ, जो अरे यहाँ अरे सर अरे आप सर सर वहां नहीं, हम ही चलते हैं ऊपर, रुक जा, अब मजा आएगा, रुकिए रुकिए, आप आइए ऊपर, आइए ऊपर आइए, अब आ आराम से रही हूँ बात सर, आ करेंगे। रही हूँ आ रही हूँ। जरा मैं जरा अपना आर्मर पहन लेता हूँ, जरा मैं हाँ जरा सेफ्टी के लिए आर्मर वार्मर पहन लेते हैं, आर्मर जरा पहन लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा खतरा लग रहा है, ये आर्मर तो नहीं था आपका कुछ? हाँ कुछ ऐसा दिखता तो नहीं था आपका आर्मर, जरा आप बताएंगे? ओह नो,
मुझे अपना आर्मर पहनना पड़ेगा। और आपके पास ये तो नहीं था ये सब कुछ? ये पैसे तो नहीं थे आपके, हमें मिल चुके हैं, आपको पता है वो चोर हमें मिल गया। आप क्यों आर्मर पहन रहे हो? वो चोर वहां से भागते हुए जा रहा था, हमें मिल गया वो, आपको पता है? पता है उस चोर के साथ अब क्या होगा सर? ये सारी चीजें तो मेरी है, आपने क्यों ली ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये पैसे ऐसे कुछ दिखते थे क्या आपके पैसे? ओ नहीं सर, आपने क्यों लिए? नहीं नहीं नहीं, हम आपको बता देंगे चोर के साथ क्या होता है। नहीं सर, चोर मैं थोड़ी हूं, वो तो हमें पता है चोर कौन है। सर देखो वापस आ गई, सर वापस आ गई, आपकी बारी सर, आपकी बारी, आपकी बारी, मैंने तो मार दिया। उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। अरे तेरे पास हार्ट चला गया, आप इतना टाइम ले रहे थे मारने में। लो फिर आ गई, फिर आ गई, लो आप ले लो हार्ट, ले लो जाओ। मेरी बारी, यस यस यस। तुम ऐसे चोरी, तुम ऐसे चोरी क्यों कर रहे थे? मुझे एक बात बताओ, रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, तुम चोरी क्यों कर रहे थे ये बताओ, मुझे सच्चाई सुननी है तुमसे। मैं चोरी सर, चोरी आपने की है, चोरी मेरा सामान आपने किया, मैंने नहीं किया। सब सच पता लग गया, आप लोग मेरा आर्मर लेके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा पहला केस सॉल्व हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। भाग गए, लो आपका इनाम, ये लीजिए आपका इनाम, आपका हिस्सा, लो आपका हिस्सा। और ये चीज किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? हम तीनों के बीच रहेगी ये बात, हमने ये कमाया। आप जा सकते हैं अपनी कंपनी में वापस। अरे आपने मेरा मुनाफा करवा दिया यार। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मेरे को मेरे बॉस सैलरी, अब मेरे बॉस मेरे को प्रमोशन देंगे यार। हाँ हाँ, जाइए आप, जाइए प्रमोशन लीजिए। तो गाइस हमने फाइनली अपना पहला केस सॉल्व कर लिया, और बहुत ही मजेदार केस था, तो आपको मजा आया होगा, मुझे पता है बहुत मजा आया होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।